नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस संजय में। यह अपनी बल हिस्ट्री की दूसरी क्लास है जिसमें हम पुनर्जागरण या रेनेसा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पहली क्लास में हमने इसके सिलेबस को जान लिया है कि विश्व इतिहास में क्या क्या चीज अपन को पढ़ना है, और उसमें जो चीज नई भी लिखी गई महत्वपूर्ण उसको भी अपन इस कोर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपन को आज की वीडियो में क्या पढ़ना है, पुनर्जागरण या रेनेसा। तो जो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, फिर से जागरण है ना, अपन उसकी पृष्ठभूमि समझेंगे किन कारणों से पुनर्जागरण आया और पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा, महत्व क्या था, क्या है कि आपको याद रखना है कि पुनर्जागरण एक वैसी अवधारणा या वैसा परिवर्तनकालीन समय है जिसने मध्यकालीन विश्व को समाप्त कर दिया और आधुनिक विश्व का निर्माण किया। मतलब कि आधुनिक विश्व के निर्माण में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी शुरुआत पुनर्जागरण काल के बाद मानी जाती है, क्योंकि पुनर्जागरण में क्या हुआ कि जो प्राचीन समय में जो मानव की स्थिति स्वतंत्रता थी, समानता थी, वहां पर मानव खुद से अपने फैसले ले सकता, तो उस प्रकार की आप वर्तमान में देख रहे हैं, महिला स्वतंत्रता की बात होती है, मौलिक अधिकारों की बात होती है, मानव अधिकारों की बात होती है, सभी को समान अधिकार दिए जाने की बात होती है, तो इस जो नवीन आधुनिक मूल्यों की जो शुरुआत होती है वो पुनर्जागरण की बात होती है, इसलिए पुनर्जागरण का महत्व बढ़ जाता है। तो हम पुनर्जागरण को इस पूरी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अपना जो टॉपिक है बुक है पुनर्जागरण या रेनेसा। तो पुनर्जागरण मतलब पुनर्जागरण, तो अपन प्राचीन समय में जाके ये देखेंगे कि मानव जाग मतलब पहले जाग रहा था, फिर सो गया, फिर पुनः कब जागा, है ना। तो आपको याद रखना है कि देखो ये समझने के लिए ऐसा लिखा नहीं, समझने के लिए प्राचीन समय वो क्या था, जागा था, है ना। मध्यकालीन समय में क्या हो गया, सो गया, है ना, और आधुनिक समय में क्या हो गया, वो फिर से जागा, फिर से फिर जागा। मतलब कि इसी को अपन ने क्या बोला, जब आधुनिक विश्व में मानव फिर से जाग गया, उस समय को अपन ने क्या बोला, पुनर्जागरण बोला। ये 16वीं शताब्दी के बाद से माना जाता है, मतलब आधुनिक विश्व के निर्माण में जब मानव जो मध्यकालीन समय में सो गया था वो फिर से जाग गया, तो पुनर्जागरण का समय शुरू हो गया, है ना। तो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन समय में स्थितियां क्या थी, मध्यकालीन में ऐसी क्या स्थितियां हुई जिसकी वजह से वो सो गया, और पुनर्जागरण के समय कौन कौन सी स्थितियां सामने आई, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पुनर्जागरण की सबसे बड़ी बात ये थी कि प्राचीन समय की सबसे बड़ी बात ये थी कि मानव केंद्र में था। अब मानव केंद्र में था इसका मतलब ये था कि मानव केंद्र में था मतलब कि मानव का प्रकृति के साथ संबंध था। जिस प्रकार अपन अगर भारत के इतिहास को अपने पढ़ा होगा तो वैदिक समय में क्या था कि प्रकृति पूजन किया जाता था, सभी मनुष्य समान थे, महिलाओं को पुरुषों को सब सभी को बराबर अधिकार थे, जाति व्यवस्था जैसी कोई कुरीति नहीं थी, महिलाओं के साथ भी कोई कुरीति नहीं जुड़ी थी। तो उस समय क्या था कि मानव स्वतंत्र था, मानव अच्छे से जीवन जी रहा था, और मानव के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही थी, है ना, मानव केंद्र में था, है ना। सो मानव की तर्क पर विश्वास करते थे लोग, मानव की बुद्धि पर विश्वास करते थे, है ना, और यहाँ पे किसी प्रकार की मानव क्या था, स्वतंत्र था, मानव क्या था, स्वतंत्र था, है ना। तो प्राचीन समय मानव केंद्र में था, उसकी बुद्धि पे, उसकी विवेक पे विश्वास किया जाता था, वो यहाँ पे क्या था, स्वतंत्र था। लेकिन मध्यकालीन समय में क्या हुआ कि सबसे बड़ी, तो यहाँ पे मध्यकालीन समय में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो क्या, धार्मिक प्रभाव, धार्मिक तंत्र का चंगुल। क्या होता है कि जो प्राचीन मानव है वो मध्यकालीन भारत में यूरोप में समझे अपन, तो यहाँ पे कौन सी व्यवस्था लागू हो जाती है, चर्च व्यवस्था, मतलब हर चीज में धर्म शामिल हो जाता है। मानव को कंट्रोल कौन करने लगता है, मानव को कंट्रोल कौन करने लगता है, धर्म करने लगता है, धर्म में भ्रष्टाचार है, चर्च की व्यवस्था सारे लोगों पर हावी हो जाती है। तो क्या है कि जो मानव स्वतंत्र था, जो मानव बुद्धि और विवेक के द्वारा फैसला ले रहा था, वो किसके चंगुल में फंस गया, धर्म के चंगुल में फंस गया, चर्च की व्यवस्था में फंस गया। तो इससे क्या हुआ कि मध्यकालीन समय में क्या हुआ कि बहुत सारी कुरूतियां हो गई, धर्म का आडंबर हो गए, बलि प्रथा आ गई, बहुत सारी ऐसी चीज आ गई जिससे मानव की स्वतंत्रता बाधित हुई, क्योंकि एक जो मनुष्य होता है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और वो स्वतंत्र जीना चाहता है, प्रकृति के तरह जीना चाहता है, मतलब प्रकृति के सहयोग से खुले वातावरण में जीना चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो चर्च की व्यवस्था में धार्मिक चंगुल में फंस जाने से, और साथ में यहाँ की एक और बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सामंतवाद। सामंतवाद जैसे आप जैसे जमींदार होते हैं ना, सामंतवाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मेहनत करते हैं 100 लोग, उसका फायदा लेता है एक लोग। जो जमींदार होते हैं ना कि किसान मेहनत करेंगे, मजदूर मेहनत करेंगे, उसका फायदा कौन लेगा,
जमींदार। इसी प्रकार जो सामंत व्यवस्था है तो इसमें फायदा लेता था एक व्यक्ति और मेहनत करते थे 100 व्यक्ति, तो इससे भी लोगों को समस्या होती थी। तो जो आज प्राचीन समय में जो मानव केंद्र में था, उसकी तर्क पर, उसकी बुद्धि पर जो सदन था, इसकी वजह से वो धर्म के चंगल में फंसने से, चरित्र व्यवस्था में फंसने से, सामंतवाद में फंसने से वो सो गया। आप समझ रहे हैं कि पहले वो जाग रहा था, फिर वो सो गया। अब क्या होगा जब पुनर्जागरण का समय आएगा? पुनर्जागरण का समय आएगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा? फिर से स्वतंत्र हो जाएगा, है ना। यहाँ पे धर्म का प्रभाव कम होगा। धर्म का प्रभाव क्या होगा? कम। धर्म का प्रभाव क्या होगा? कम। मानव कहाँ आ जाएगा? केंद्र। मानव कहाँ आ जाएगा? केंद्र में। आपको याद रखना है कि मानव केंद्र में प्राचीन समय में था, उसके बाद आधुनिक समय में आ गया, इसीलिए इसको फिर से जागरण ने बोला है। तो यहाँ मानव स्वतंत्र हो जाएगा, धर्म का प्रभाव कम हो जाएगा, मानव केंद्र में रहेगा। क्योंकि आपके लिए बता दें कि देखो धर्म सामाजिक जीवन के लिए सही है, लेकिन धर्म हर जगह, अगर आप धर्म को साथ में, धर्म को हर जगह पे आप एंगेज करोगे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए लोकतंत्र में या संविधान के शासन में धर्म निरपेक्ष राज्य को अच्छा माना जाता है। क्योंकि देखो धर्म सामाजिक दृष्टि से सही है, लेकिन धर्म के कुछ पहलू ऐसे हो जाते हैं जिनमें कुछ समस्याएं हो जाती है। इसलिए धर्म का प्रभाव एक सीमित होना चाहिए, धर्म का प्रभाव लोगों के मानने और ना मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि मानव स्वतंत्र हो गया, धर्म का प्रभाव कम हो गया, मानव केंद्र में हो गया, तो मानव फिर से जाग गया। इसी को पुनर्जागरण बोला जाता है। अतः आपसे अगर पूछा जाए कि पुनर्जागरण क्या है, तो आप ये बताएंगे कि प्राचीन समय में जो मानव स्वतंत्र था, जो मानव बुद्धि पे, उसके तर्क पे जो बल दिया जा रहा था, वो मध्यकाल में छिन गया था उससे और धर्म के चंगुल में फंस गया था, साथ में वो चर्च के चक्कर में फंस गया था, उन सबसे उभर के जब वो आधुनिक विश्व में पहुंचा तो उसने पुनर्जागरण किया और उसने स्वतंत्रता को प्राप्त किया, उसने धर्म के प्रभाव को कम किया और मानव फिर से केंद्र में आ गया। तो यहाँ पे सारी चीजें मानव केंद्र में रहेंगी। जब मानव केंद्र में रहते हैं तो अच्छे से क्या होता है? विकास होता है, अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का प्रचार होता है, ज्ञान का प्रसार होता है, साथ में मनुष्य को अच्छे से जीवन जीने, समाज में संतुलन की स्थिति आती है और सामंतवाद जैसी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है? बराबर। यहाँ पे क्या होती है? बराबर, मतलब जो जितना कार्य करेगा उसको उतना फायदा मिलेगा। यहाँ पे स्वतंत्रता होती, समानता होती, तो इसी को अपन ने पुनर्जागरण बोला। अब अपन समझने की, ये अपन ने क्या समझ ली? ये अपन ने इसका अर्थ समझ लिया और ये पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि यही है कि जो प्राचीन समय की स्थिति को आधुनिक समय में फिर से प्राप्त किया। और आपको एक बात याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पुनर्जागरण प्राचीन समय को प्राप्त करना था। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे प्राचीन समय में जो मानव केंद्र में था, यहाँ पे मानव केंद्र में आ गया, स्वतंत्रता, यहाँ पे स्वतंत्रता, क्या प्राचीन समय को प्राप्त करना था? ऐसा नहीं था। अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए, और अच्छी को जीवन को सरल, सहज, स्वतंत्र, समानता आदि चीजों को जीवन में शामिल करने के लिए आधुनिक विश्व में नई नई चीजें की गई। मतलब प्राचीन समय को प्राप्त करते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ना ही पुनर्जागरण है। केवल प्राचीन समय को प्राप्त करना पुनर्जागरण नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि पुनर्जागरण सिर्फ प्राचीन समय को, मतलब आपसे बोला जाए कि वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया गया, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वेदों की समय सभ्यता अपन उधर पर जो कबीलाई जीवन जी रहा था वैसे जिए, है ना, उसका मतलब ये नहीं था। उसका मतलब ये था कि वहाँ पर जो समानता है, जो वहाँ के जो नैतिक विचार है, जो अच्छे विचार है, उनको प्राप्त करके और जो उसमें नई चीजें शामिल की जा सकती है, आधुनिकता, नए नए विचार जो शामिल किए जा सकते हैं, वो भी पुनर्जागरण में शामिल किए गए। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे, मतलब कि किन किन चीजों ने पुनर्जागरण को संभव बनाया। क्योंकि जब मानव जागा था तो कोई दिक्कत नहीं, जब लेकर सोया तो मानव के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो गई। अब उन दिक्कतों को जिन कारणों से दूर करेगा वही कारण हो जाएंगे पुनर्जागरण के कारण। तो आइए अपन पुनर्जागरण के कारण समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हम पुनर्जागरण के कारण। तो जो पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या है कि धर्मयुद्ध ने क्या हुआ, धर्म का प्रभाव कम किया। इसको, इन सब चीज को विस्तार समझेंगे, पहले इनको पढ़ लेते हैं। तो धर्मयुद्ध, सामंतवाद का पतन, भौगोलिक खोजें, कागज व मुद्रण का आविष्कार, शिक्षा व साहित्य का विकास, ये प्रमुख कारण। इनके अलावा भी और कारण, लेकिन ये 5 प्रमुख कारण है जिसने पुनर्जागरण को संभव बनाया। क्या है
कि जब मानव में चेतना आएगी तभी वो किसी चीज का विरोध करेगा और तभी नए समय को ला पाएगा, समय को परिवर्तित कर पाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जीवन में जब आप नॉलेज प्राप्त करते हैं फिर उस नॉलेज से आप सही और गलत का फैसला करते हैं, फिर उस गलत चीज को आप रोकने की कोशिश करते हैं, फिर उस गलत व्यवस्था को आप बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए शिक्षा और साहित्य का हमेशा महत्व रहेगा। आपसे अगर किसी भी चीज के परिवर्तन पूछा जाए, मतलब आप किसी भी चीज को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको पहले शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी या शिक्षा देनी पड़ेगी। मान लो आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, है ना, महिला समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा का प्रचार करना पड़ेगा। आइए अब हम पुनर्जागरण के संबंध में इन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो धर्मयुद्ध है, देखो धर्मयुद्ध, आपको एक बात समझ लेना है कि ये जो यूरोप है ना, यूरोप में किस कहा कौन सा धर्म हावी था? ईसाई। कौन सा धर्म हावी था? ईसाई। यूरोप में कौन सा धर्म था? ईसाई, है ना। और मतलब कि सारी जगह कौन सी ईसाई धर्म का जो पूज्य स्थल है उसे क्या बोलते हैं? चर्च। तो मतलब समाज पे, देश पे, राजाओं पे, जनता पे किसका प्रभाव सबसे अधिक था? चर्च का और ईसाई धर्म का। तो मतलब कि एक प्रकार से यूरोप को मध्यकाल में नियंत्रित कौन कर रहा था? नियंत्रण, मतलब कि यूरोप में मध्यकाल में नियंत्रण ईसाई धर्म या चर्च व्यवस्था का था। तो मतलब धर्म का नियंत्रण था। लेकिन क्या होता है कि जब 13वीं और 14वीं सदी में क्या होते हैं, यहाँ पे धर्मयुद्ध होते हैं, है ना। आपको याद रखना, धर्मयुद्ध किस किस के बीच हुए हैं? ईसाई धर्म और मुस्लिम, या इसको क्या बोलते हैं? इस्लाम, है ना। तो जब क्या हुआ, आपको याद रखना है कि यूरोप में जो व्यवस्था चली आ रही थी, ईसाई धर्म का जो नियंत्रण यूरोप पे चला आ रहा था, उसका उसमें क्या था कि चर्च अपने हिसाब से सारा चीजें कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जब धर्मयुद्ध होती, मतलब ईसाई वर्सेस इस्लाम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? इस्लाम विजय हो जाता है। मुस्लिम शासकों की 14वीं शताब्दी में क्या हो जाती है? विजय। 14वीं शताब्दी में विजय किसकी हो जाती है? विजय किसकी होती है? मुस्लिम शासकों की। किसकी? मुस्लिम शासकों की, या मुस्लिम धर्म की। तो क्या होता है कि जब मुस्लिम धर्म विजय हो जाता है, तो जो लोग चर्च की व्यवस्था में, चर्च के नियंत्रण में ईसाई धर्म में विश्वास रखते थे, उनका वो विश्वास टूट जाता है। कि जो वो कह रहे थे कि धर्म सर्वोच्च है, ईसाईयत सर्वोच्च है, वो भ्रम क्या थे? धर्मयुद्ध के कारण टूट गया। तो लोगों ने समझा कि हम जिस धर्म को महान मान रहे थे, वो उस धर्म में तो वैसी चीजें हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का जो धर्म के झुकाव, धर्म के प्रति जो झुकाव था, धर्म पे जो विश्वास था, वो कमजोर हुआ। उस जैसे ही कमजोर हुआ, जैसे ही कोई चीज कमजोर होती तो बिखरती है, तो जो धर्म की जो सत्ता थी वो बिखर गई। इससे लोगों को किसका मौका मिला? पुनर्जागरण का मौका मिला। तो धर्मयुद्ध ने क्या किया कि धर्म की जो सत्ता है उसको कमजोर किया, कहां पर? यूरोप में। धर्म की सत्ता को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। मतलब कि जिस यूरोप में जिस धर्म का नियंत्रण चला आ रहा था, उस धर्म के पराजित होने से धर्म की सत्ता क्या हुई? कमजोर हुई, और लोगों को धर्म से बाहर निकलने का मौका मिला। और जब लोग बाहर निकले, तो उससे लोगों में क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ, और लोग अच्छी स्थिति, अच्छे अधिकार और अच्छी स्थिति को पाने के लिए अपने कार्य को करने लगे या प्रयास करने लगे। तो आपको याद रखना है कि कभी कभी पूछा जाता है कि धर्मयुद्ध किन दो धर्मों के बीच हुआ है? ईसाई और मुस्लिम। ये 13वीं सदी की बात है। विजय कौन हुआ? मुस्लिम, या इस्लाम ने विजय प्राप्त की, है ना। यहीं पे क्या होता है कि जब इस्लाम विजय प्राप्त कर लेता है, तो क्या है कि जो तुर्की वाला क्षेत्र है, उस पर किसका कब्जा हो जाता है? इस्लाम का। तुर्की वाला कब्जा, इस्लाम जब विजय होता है, तो यूरोप से जब मध्य एशिया आते हैं, ये यूरोप से जब एशिया में प्रवेश करते हैं, तो उसकी बॉर्डर पर आप जब मैप देखेंगे तो तुर्की है। तो तुर्की पे इस्लाम धर्म का कब्जा हो गया। अब जिसके धर्म युद्ध हुआ, तो अब ईसाई क्या है कि जहां मध्य एशिया से भारत आ रहे थे, मतलब मध्य एशिया को या एशिया को, मध्य एशिया को पार करके जो भारत पहुंच रहे थे ईसाई लोग, वो नहीं आ पाएंगे। इसीलिए इस धर्मयुद्ध ने क्या किया, इस धर्मयुद्ध ने भौगोलिक खोजों का कारण बना। मतलब कि जब इस्लाम धर्मयुद्ध में विजय हुआ, तो उसने तुर्की पे, मतलब कि इस्लाम धर्म जब विजय हुआ, तो उसने तुर्की वाला रास्ता, मतलब कि जो धरातल वाला रास्ता था, स्थल भाग से जो
यूरोप के लोग भारत पहुंचते थे या भारत या एशिया के विभिन्न देशों में पहुंचते थे, वो रास्ता स्थल वाला बंद हो गया। तब उन्हें समुद्री खोजों को क्या दी गई, महत्ता दी गई। समुद्री खोजों महत्ता दी गई तो आपको याद होगा कि कोलंबस, कोलंबस ने किसको खोजा, आपको याद रखना है यूएसए या अमेरिका को, और अपने इधर कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा, है ना, वास्को, वास्को डी गामा। तो मतलब कि धर्मयुद्ध ने भौगोलिक खोजों को मतलब कि समुद्र से जो नए नए रास्ते भारत पहुंचने के, मध्य एशिया या एशिया के विभिन्न भागों में अफ्रीका पहुंचने के लिए जो स्थल भाग की जगह समुद्री भाग को खोजने का मौका दिया, तो उसको भी भौगोलिक खोजे बोला गया। भौगोलिक खोजों से क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि और नए रास्ते हैं, वहां पर भी व्यापार किया जा सकता है, वहां के लोगों से भी संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, यहाँ पहुंचने के विभिन्न रास्ते हो सकते हैं, जहाजें बनने लगी, व्यापार के लिए वस्तुएं बनने लगी, ये सारी चीजें होने से पुनः जागरण हुआ, नए नए लोगों से मिले, तो है ना, लोगों की समझ विकसित हुई, तो इसलिए भौगोलिक खोजों का महत्व बढ़ जाता है। तो इन्हीं भौगोलिक खोजों ने पुनर्जागरण को महत्वपूर्ण या पुनर्जागरण का कारण बना, पुनर्जागरण लाने में इसने मदद की। आपको याद हो कि जो यात्रा होती है, आप जब किसी अन्य स्थान पर जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, वहां के स्थानों को जानने का मौका मिलता है, वहां की भाषा, वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था क्या है, वहां का नेचर क्या है, ये जानने से आपका ज्ञान में वृद्धि होती है, है ना। और आपको दो बातें याद रखनी कि अपन जब अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने। आपको याद रखना है अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की, और वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, 1498 में पहुंचा, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अपन ने जो सामंतवाद का पतन है, तो अपन ने देखे थे सामंतवाद का पतन हो गया, क्या हुआ कि देखो धर्म किससे जुड़ा था, सामंतवाद, क्योंकि जो सामंतवाद थे, सामंत लोग थे, एक प्रकार से आप समझ लो जमींदार या पूंजीपति, तो वो क्या थे, जैसे वर्तमान में आप देखते ना कि जो बड़े पूंजीपति वो सत्ता को, वो सत्ता पूंजीपतियों को, जो उनका गठजोड़ रहता है, तो वो किस पर शासन करते हैं, गरीब बेरोजगार जनता पे। इसी प्रकार प्राचीन समय में क्या था, मध्यकालीन समय में यूरोप में क्या था कि जो सामंत लोग थे, बड़े शक्तिशाली लोग थे, वो धर्म से क्या है, उनका गठबंधन था, तो चर्च सपोर्ट करता था सामंतवाद को, सामंतवाद सपोर्ट करता था चर्च को, तो जब चर्च की व्यवस्था को चोट पहुंची तो सामंतवाद को चोट पहुंचना जरूरी था। तो धर्म युद्ध के कारण भौगोलिक खोजों का मुकर, धर्म युद्ध के कारण भी सामंतवाद का पतन हो गया, और सामंतवाद के पतन के कारण धर्म युद्ध हुआ था, मतलब सामंतों ने अपने आप को बचाने की कोशिश में धर्म का प्रयोग किया, और धर्म के बीच में आने से धर्म युद्ध हो गया, जिससे यूरोप की व्यवस्था भंग हुई और सामंतवाद का भी पतन हो गया। मतलब कि जो सामंतवाद का सिस्टम यूरोप में चला आ रहा था उसका पतन हो गया, और लोग जागरूक हुए, पुनर्जागरण का समय आ गया। तो इस प्रकार से साम्राज्य के पतन होने से पुनर्जागरण आया। इसके बाद कागज और मुद्रण का आविष्कार, कागज और मुद्रण का क्या है कि जब कागज का आविष्कार हुआ और जब कागज से अखबार छपने लगे, किताबें छपने लगी, तो उससे शिक्षा और साहित्य का भी विकास हुआ। क्या होता है कि जब कागज छपने लगे, किताबें छपने लगे, अखबार छपने लगे, तो जो अच्छे अच्छे विचार थे, जो मानव को केंद्र में लाने वाले विचार थे, जो मानवता पर बल देने वाले विचार थे, मानव के लिए, मानव के अधिकारों की बात करने वाले बात थे, वो विचार प्रसारित हुए दुनिया में। क्या होता है कि जब आप किताब पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को जानते हैं, जैसे आपके साथ क्या गलत हो रहा है, या आप किताबों से, है ना, आप अखबार से जान सकते हैं, आप अपने अधिकारों को किससे जान सकते हैं, अखबारों किताबों से जान सकते हैं। इसीलिए किताबें पढ़ने से, अखबार पढ़ने से आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता है। तो इसी प्रकार यूरोप में क्या हुआ कि जब कागज और मुद्रण का आविष्कार हुआ तो शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ, इससे लोगों में ज्ञान बढ़ा, जागरूकता बढ़ी, समझ बढ़ी, और उनने धर्म का विरोध किया, सामंतवाद का विरोध किया, नए भौगोलिक खोजों में सहायता की, इससे लोग विभिन्न देशों में गए और वहां की नई नई चीजें सीखी, और यूरोप में जो गलत चीजें चल रही है उनका विरोध करना शुरू कर दिया, और यहीं से कौन सा समय आ गया, इन्हीं सब चीजों के कारण आधुनिक विश्व की शुरुआत हुई, आधुनिक विश्व की शुरुआत हुई, है ना। तो इन पांच छह कारणों ने, धर्म युद्ध, है ना, सामंतवाद के पतन ने, भौगोलिक खोजों ने, कागज और मुद्रण के आविष्कार ने, और शिक्षा और साहित्य के विकास ने नए विश्व को ला दिया, है ना, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पुनर्जागरण ने निभाई। तो आपको याद रखना, देखो क्या है कि आधुनिक विश्व में क्या होता है कि मानव
केंद्र में होता है। मानव के अधिकारों पर बल दिया जाता है, मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, मानव और प्रकृति के संबंधों को स्पष्ट रखने की कोशिश की जाती है, प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया जाता है, जो मानव के नए नए विचार आते हैं उनको स्वीकार करने की कोशिश की जाती है। लेकिन धर्म ऐसा स्वीकार नहीं करता, मध्यकालीन समय में ऐसा नहीं होता था, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, है ना, गरीबों के साथ अत्याचार हो जाता था, ये सब सामंत लोग कर देते। तो ये सारी चीजों को बंद करके नई आधुनिक चीजें आई। इसीलिए अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये कारण हुआ तो इसी से अपन ने जो पढ़ा है इसी को अपन समराइज करके जो पुनर्जागरण का प्रभाव या उसका महत्व है उसको समझने की कोशिश करें। तो अगर हम पुनर्जागरण के प्रभाव या महत्व देखें तो अपन ने जो कारण देखे उसके आधार पर अपन समझ गए। देखो मानव तौर पर बल दिए जाने लगा, मतलब कि जब मनुष्य आधुनिक समय में प्रवेश कर गया तो उसने क्या किया, पुनर्जागृत हो गया वो, उसने सारी अच्छी अच्छी चीजों को जान लिया, तो उसने मानवता को बल देना स्टार्ट कर दिया, उसका राजनीतिक और सामाजिक विकास हुआ, उसके जीवन में धर्म, मतलब मानव के जीवन में धर्म का प्रभाव कम हो गया, वैज्ञानिक बात का उदय हो गया, मतलब वैज्ञानिक खोजों पर बल दिया जाने लगा, साथ में नवीन खोजों और नवीन विचारों को बल दिया जाने लगा। मतलब अब क्या हुआ कि जो मध्यकालीन सामंतवादी धर्म के अधिकार वाली व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या हो गया, मानवता पर बल दिया जाने लगा, मतलब मानव के तर्क पर, उसकी बुद्धि पर, है ना, उसके विचारों पर बल दिया जाने लगा, मतलब उनके विचारों को सुना जाने लगा, वो अपने विचार प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं, मतलब कि पुस्तकें लिख सकते हैं, अखबार के माध्यम से अपने विचारों को, अपने तर्क को, अपनी बुद्धि को प्रचार प्रसारित कर सकते हैं, मतलब कि मानव केंद्र में हो गया। इस समय क्या हुआ कि जो धर्म का प्रभाव कम हुआ, है ना, तो जो साहित्य था, जो साहित्य है और जो चित्रकला है आदि, है ना, इनमें भी मानव केंद्र, मतलब कि मानव के ऊपर साहित्य लिखा जाने लगा, पहले ईश्वर के ऊपर लिखा जाता था, चित्रकला भी मानव शामिल होने लगा, है ना, तो साहित्य में, चित्रकला में, विज्ञानवाद में, सब में मानव शामिल होने लगा, इसी को मानवता पर बल दिया जाने लगा। मतलब जो पहले जो पुनर्जागरण नहीं आया था, जब मध्यकालीन सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, तब मानव को कोई भाव नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब मानव पदा पर बल दिया जाने लगा, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब कि किसी परिवर्तन का जब सकारात्मक प्रभाव देखे तो वो परिवर्तन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए पुनर्जागरण में मानवता पर बल दिया। अब राजनीतिक और सामाजिक विकास कैसे हुआ कि लोग अपने, मतलब कि धर्म से क्या हो गया, धर्म का प्रभाव कम हो गया, धर्म से जब वो स्वतंत्र हुए तो वो अपने तरीके से शासन कर सकते हैं, अपने तरीके से समाज में आसानी से रह सकते हैं। नहीं तो पहले समाज धर्म से कंट्रोल हो रहा था, उसमें बहुत सारी कुरूतियों का पालन जो नहीं भी करना चाह रहे उनको भी करना पड़ता था। और धर्म के प्रभाव से क्या हुआ, मानव स्वतंत्र हो गया। वैज्ञानिक, इससे क्या हुआ, आधुनिकता में तेजी आई, है ना। और जो धर्म के आधार पर क्या है कि धर्म जो विभिन्न चीजें बोल देते थे, उसने विज्ञानवाद ने बहुत सारी चीजों को नकारा, बहुत सारी चीजों को स्पष्ट किया, क्योंकि धर्म में बोला जाता था कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा रहा है, लेकिन विज्ञान ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो विरोधाभास थे, जो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उन्हें विज्ञानवाद ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया, मतलब आधुनिकता में तेजी ला दी। और जब मानव को स्पष्ट हुआ कि सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर चंद्र लगा रहा, तो बहुत सारी वैज्ञानिक खोजों में तेजी आई। जब वैज्ञानिक तेजी आई तो आगे चलकर औद्योगिक क्रांति को बल मिला। औद्योगिक क्रांति के बाद आधुनिक विश्व का निर्माण तेजी से होता गया। और वर्तमान में जो अपन कंप्यूटर देख रहे हैं, वर्तमान में जो बहुत सारी सैटेलाइट या जो अंतरिक्ष चीजें देख रहे हैं, वो धीरे धीरे वैज्ञानिकवाद का उदय कब हुआ था, पुनर्जागरण के समय हुआ था, उसके बाद अभी वर्तमान स्थिति में अपन पहुंचे हैं। तो मतलब पुनर्जागरण के बाद ऐसी चीजें आई कि उसने विश्व में आधुनिकता में तेजी ला दी। इसके बाद क्या, तो नवीन खोजों और विचारों पर बल दिया गया। मतलब क्या है कि जो पुस्तक लिख रहा है उसको पुस्तक लिखने दिया, जिस साहित्य या चित्रकला पर काम करना चाहते उसको वो काम करने दिया, है ना। तो जो लोग नवीन विचार, जिसको वैज्ञानिक बनना, विज्ञान जिसको गलत पे काम करना, तो उसको उसके नवीन विचारों को स्वीकार किया गया, उसकी नवीन खोजों को स्वीकार किया गया, उसको प्रोत्साहित किया गया कि वो खोजें करें,
है ना, इसलिए विश्व के विभिन्न भागों के लिए समुद्र से पहुंचने के रास्ते, स्थल मार्ग से विभिन्न रास्ते खोजे गए, जिससे क्या हुआ, दुनिया में संचार और परिवहन तेजी से बढ़ा, जिससे विश्व में आधुनिकता आई। तो इसलिए पुनर्जागरण महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर अपन समझने की कोशिश करें कि पुनर्जागरण में अपन थोड़ी सी समराइज कर लें आज की क्लास को, कि एक्चुअली में पुनर्जागरण है क्या, जो अपन ने इतना पढ़ा है वीडियो में, अपन उसको अगर समराइज कर लें, तो आपको याद रखना है कि जो आपको याद रखना है कि जो प्राचीन समय में जो लौकिक लौकिक जो लौकिक जीवन पे बल था, कब, प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में किस पे हो गया, पारलौकिक, मतलब कि तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सारा कंट्रोल ईश्वर का, पारलोक जीवन पे। लेकिन वापस आधुनिक समय में किस पे बल दिया जाने लगा, लौकिक लौकिक जीवन पर, यही पुनर्जागरण। मतलब कि लौकिक जीवन मतलब जो जीवन स्पष्ट है, जिसमें ईश्वर या धर्म शामिल नहीं होता, मतलब मानव केंद्र में है। लेकिन यहां पे कौन केंद्र में है, धर्म या ईश्वर। लेकिन आधुनिक समय में फिर कौन केंद्र में आ गया, मानव केंद्र में। मतलब कि जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक है ना, और इसी को क्या बोला है अपन ने, तो अपन समझे, तो प्राचीन समय में लौकिक जीवन पर बल था, और बाद में पुनः जाग के आधुनिक समय में भी लौकिक जीवन पर बल दिए जाने लगा, मानव केंद्र में आ गया। लेकिन मध्यकालीन समय में क्या था कि धर्म और ईश्वर को केंद्र में दिया जा रहा था, मतलब जो भी घटना होती थी बोल देते धर्म के कारण हुई, ईश्वर के कारण हुई, मतलब कारण कारण और कार्य संबंध को स्पष्ट नहीं किया जाता था, और हर चीज में धर्म कारण, धर्म के आडंबर, धर्म के कर्मांड को शामिल किया जाता था, जिससे लोगों की स्वतंत्रता, समानता आदि चीजें बाधित होती थी, और कुछ गिने चुने शक्तिशाली लोग उन पर शासन करते थे। तो लौकिक जीवन मानव केंद्र, प्राचीन समय का पुनः वापसी आधुनिक समय में लौकिक जीवन और मानव पर बल देना ही पुनर्जागरण है, ये बात आपको याद रखनी है। पुनर्जागरण को आप अच्छे से समझ लेंगे तो जो पुनर्जागरण है वो सैद्धांतिक रूप है, उसका प्रैक्टिकली रूप का काम पढ़ेंगे प्रबोधन काल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रबोधन काल पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारे विचारकों को, जैसे रूसो हुआ, मॉन्टेस्क्यू हुआ, इनके विचारों को पढ़ेंगे और विश्व इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, जुड़े रहिए जीएस संजय के साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।